अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद मेज़बा। आज मैं आप सभी लोगों के साथ एक शरबत की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी बनाने में, 5 मिनट में बनके तैयार होता है। इसको पीने से आपके रूह तरोताज़ा हो जाएगी। गर्मियों के मौसम में तो बहुत ही रिफ्रेशनिंग सा ये जूस है। चलिए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे मैंने वाटरमेलन को रफली चॉप कर लिया है। अब हम इसको ब्लेंडर में ऐड कर देंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 लेमन जूस, 2 से 3 टेबलस्पून के अराउंड शक्कर ऐड करेंगे। आपको अगर ज़्यादा मीठा पीना पसंद ना हो तो आप शक्कर को बिल्कुल भी स्किप कर सकते हैं। चुटकी भर हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 क्यूब्स बर्फ के। बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करें वरना आप इसको बिल्कुल भी स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये रेडी है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इसको छान लेंगे। यहाँ पे मैंने पतीली में नीचे बर्फ़ ऐड किया है, बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको चाहे तो ऐड करें, ठंडा पीना पसंद करते हैं वरना आप इसको स्किप कर दें बर्फ़ को। अब हम इसको अच्छे से छान लेंगे। इसकी जो सीड्स है देखिए इस तरीके से छान के हम निकाल लेंगे। माशाल्लाह यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा जूस बनके तैयार हुआ है। आप इसको इफ्तार में बना के सर्व करें या फिर आप इसी तरीके से भी इसको बना के कभी भी आप इसको पी सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और रिफ्रेशनिंग सा वाटरमेलन जूस बनके हमारा तैयार हुआ है। देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है और झटपट बनके तैयार भी हो जाता है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग सा ये जूस बनता है, तो ज़रूर से आप इसको ट्राई करें। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। देखा आपने वाटरमेलन जूस बनाना कितना आसान है, तो चलिए आप भी जाएं झटपट से इसको बनाएं, एंजॉय करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैं लौट के आऊँगी एक नई रेसिपी के वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।